जिसका काम लोगों को तहफ्फुज़ देना है, उस पुलिस को इस्तेमाल किया जाता था लोगों को, लोगों के घर कत्ल करने के लिए, डाके मारने के लिए। तो ये जो आज जिधर हम खड़े हैं, 25 जुलाई को अल्लाह ने सारे पाकिस्तान को मौका दिया, हमने हमारा मुकाबला जमहूरी लोगों से नहीं है, हमारा मुकाबला माफिया से है। ये माफिया है जिनका काम इस मुल्क में आके पैसे बना के मुल्क से बाहर लेके जाना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, कौम को मकरूज कर देना। ये वो लोग जो इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, कराची का यही वक्त था। इलेक्शन से 3 दिन पहले वो जो भी डेट रही थी हॉस्पिटल के बिस्तर से, 2013 इलेक्शन के से 2-3 दिन पहले मैंने बिस्तर से कहा था कि मैं तो 5 साल बर्दाश्त कर लूंगा, क्या पाकिस्तान की कौन तुम बर्दाश्त कर सकोगे, तुम नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। हमेशा साथ रहे वो पाक जमीन मजबूत, बहुत मजबूत तो हम आजाद रहे। अब ये देखे, 10 साल पहले जब ये दो इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, जो था चार्टर ऑफ करप्शन, दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम, मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा, जो मर्जी करोगे मैं फ्रेंडली ऑपोजिशन बनूंगा, मुझे पूरी पारी लेने देना और फिर तुम पारी लेना और हम एक दोनों को नूरा कुर्सी खेलेंगे, फ्रेंडली ऑपोजिशन बनेंगे, खुर्शीद शाह बनेंगे, खुर्शीद डबल शाह बनेंगे, ऑपोजिशन में बैठ के नूरा कुश्ती खेलेंगे। अब 10 साल के बाद कराची के लोगों, 10 साल के बाद जरा देख ले पाकिस्तान का क्या हाल है। 10 साल पहले, अब तो मैं सारे पाकिस्तान को बता चुका हूं, 10 साल पहले पाकिस्तान का कर्जा कितना था, कितना था, कितना था, 6000 अरब पाकिस्तान की 7 साल में जो पाकिस्तान का कर्जा था 6000 अरब, आज कितना है, 27000 नहीं 28000 रुपया, 28000 रुपया, 28 ट्रिलियन रुपया, 6 ट्रिलियन से 28 ट्रिलियन पे गया। किधर गया ये पैसा, कोई डैम बनी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना, कोई मुल्क में ऐसी चीज बनी कि हम ये कर्जे वापस कर लें, कोई चीज बताए। ये जो कर्जा चढ़ा है, ये जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा चढ़ा है, इस सारे कर्जे की कीमत आप अदा करेंगे, और आप अदा करेंगे महंगाई से। जिन्होंने आपको कर्जे दिए हैं वो वापस मांगेंगे कर्जे, और वो जब वापस मांगेंगे वो डिमांड करेंगे कि बिजली के ऊपर टैक्स लगाओ, गैस पे टैक्स लगाओ, जीएसटी बढ़ाओ, हर चीज पे टैक्स लगाओ, जिससे मैं सिर्फ मोटी मोटी बात करता हूं। मैं ये सारों को इसलिए बताना चाहता हूं कि आप अगले 5 साल इनके बर्दाश्त नहीं कर सकते,